नाउ so स्टूडेंट्स अभी हमने ये देखा कि पे पाल के, के थ्रू हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और पे पाल के थ्रू हम बैंक कैसे लिंक कर सकते हैं यानी बैंक अकाउंट नंबर हम कैसे लिंक कर सकते हैं एंड देन वी हैव सीन के हम डेबिट कार्ड नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर हम कैसे लिंक कर सकते हैं पे पाल के साथ और फिर हम पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन टू द टू एन अधर पे पाल अकाउंट जो कि आगे फर्दर किसी बैंक से लिंक है एट द एंड ऑफ द डे आप, आप पे पॉल को यूज करते हुए आप पैसे बैंक से विड्रॉ करा सकते हैं विदाउट डायरेक्टली डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन टू द बैंक सो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो पे पॉल की सर्विस है उसकी प्रेजेंस तकरीबन वन नाइंटी या आई मीन वन नाइन्टी सेंस में कह सकते हैं कि जो यू एन रेकगनाइज कंट्रीज हैं कुछ में दो सौ प्लस भी है लेकिन वी विल गो बाई द रेकग्नाइज कंट्रीज तो 190 प्लस कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस मौजूद है प्रेजेंस है मुराद नॉट फिज़िकल ऑफिस के इन मुल्कों में जो पेपाल है वो उसकी सर्विस अनेबल है लेकिन जो पेपाल है उसकी सर्विस जो उसकी पेमेंट प्रोसेसिंग की सर्विस है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इससे मुराद ये है कि जो पेपाल का गेट है वो अगर पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट आती है पेमेंट की वो अलाउ नहीं करता प्रोसेस करने के लिए अब इफ यू गो ऑन इंटरनेट अगर आप गूगल uh, पे जाएं तो द हॉटेस्ट क्वेश्चन विच एवरी फ्री आंसर या एवरी ओनर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट विल आस्क वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेपाल की सर्विस मौजूद नहीं है अब इंटरनेट के ऊपर आपको मल्टीपल आर्गूमेंट्स मिलेंगे और हर आर्गूमेंट की अपनी एक रैशनैल है अपनी एक वैल्यू है लॉजिकली ये लगता है अगर आप एक ले मैन की टर्मिनोलॉजी में बात करें कि बिजनेस जो कंपनीज होती हैं उनका एट द एंड ऑफ द डे जो गोल है वो ये है कि अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करना है। अब जो पेपर रेवेन्यू जनरेट करता है जो उसका बिजनेस मॉडल है जैसा हमने अभी अकाउंट क्रिएट किया इट वॉज फ्री एक्चुअली उसने कोई पैसे नहीं चार्ज किए हमसे हमने बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट करके देखा और पर्सनल अकाउंट भी क्रिएट करके देखा इट्स फ्री एक्चुअली इसका बिज़नेस मॉडल क्या है इसका बिज़नेस मॉडल बहुत सिंपल है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई पेमेंट रिसीव होती है या मैं कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करता हूँ यूजिंग पे तो पे अपना कट रखता है बीच में तो जितनी ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी उतनी ज़्यादा इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा इसका मतलब ये है कि ऐसा कंट्री जहाँ पे क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा यूज़ होती है वहाँ पे ज़्यादा चांस है रेवेन्यू uh, जनरेट करने का अब जैसा हमने पहले भी बहुत दफा डिस्कस किया कि जो पाकिस्तान है इट्स अ इमर्जिंग कंट्री यानी ई कॉमर्स की बैकग्राउंड में या कॉन्टेक्ट में एक कंपनी ये जो पाकिस्तान ये ग्रो कर रहा है इसका मतलब है कि रेवेन्यूज अभी यहाँ इंक्रीज होने हैं तो वन लॉजिकल आर्गूमेंट इज़ के क्योंकि पाकिस्तान में अभी ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो अभी इतनी ज़्यादा मच्योर नहीं है कि जहाँ पे पेपर वालों को ये लगे इट इज़ गुड यू नो इट्स अ गुड मार्केट टू जंप इन और पाकिस्तान में एज दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट मे नॉट बी अ वेरी गुड बिजनेस केस यानी उनको उनको ये लग रहा हो कि यार कि हमारा उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हम कर सकते कि हम लोग अपने यू नो बिजनेस हमारा सर्वाइव uh, कर सके दैट्स वन आर्ग्यूमेंट दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फॉरन में मिलेगा कि देखें जब भी किसी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी को या बैंक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर किसी कंट्री में ओपन होता है या पेमेंट प्रोसेसर गेटवे अपनी सर्विस देता है तो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है तो बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बैंकिंग के जो स्ट्रिक्ट रिजीम्स हैं जो रेगुलेशंस हैं आपको कंप्लाई करना पड़ता है उन रूल्स एंड रेगुलेशन का जो जो किसी भी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को गवर्न कर रहे होते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न स्कैम्स यानी जैसे हमने मैंने आपको ये uh, हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन पेमेंट के जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है अभी भी तकरीबन एट्टी परसेंट जो यूजेज है वो कैश ऑन डिलीवरी होता है मतलब अ ट्रस्ट फैक्टर अ ट्रस्ट फैक्टर से मुराद ये है कि लोग अभी हेजिटेंट है हिचकिचाते हैं कि अपना क्रेडिट कार्ड नंबर अपना डेबिट कार्ड नंबर हम किसी से शेयर करें हैक होने का चांस ज़्यादा है मीन फ्रॉड स्कैम होने का चांस ज़्यादा है इससे मुराद ये है कि जितना चांस हैकिंग का और फ्रॉड का ज़्यादा है उतनी ही ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग की जो कंपनीज हैं वो चाहती हैं पाकिस्तान जैसे कंट्री में आ, इन्वेस्ट करने से या आने से लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर फ्री हर ब्लॉगर यू नो वो फ्रॉड नहीं है स्कैम नहीं है सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल वाई अ पे इज़ नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान लेकिन जो कंसर्न मिनिस्ट्री है पाकिस्तान में दे आर वेरी एक्टिवली परसुइंग और हैविंग डिस्कशन विद विद पेपाल टू अनेबल देयर सर्विस इन पाकिस्तान बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पेपाल आर द मार्केट लीडर्स एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि अमूमन लोग प्रेफर करते हैं बाहर से पैसे भेजने के लिए पे का अकाउंट क्योंकि इट इज़ वेरी ईजी जैसे हमने देखा बहुत सिंपल है लेकिन लेट्स होप के आ, ये कंपनी पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज जल्दी शुरू करेगी ताकि पेपा के जरिए हम पेमेंट को यानी ऑनलाइन पेमेंट रिसीव और सेंड कर सकें